मेरा नाम है रयान, आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दीपावली। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला था कि ढेर सारे पटाखों की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखो गाइस, मैं बहुत सारे पटाखे खरीद के लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ शार्क ब्रांड की तरफ से आने वाला एवेंजर 120 मल्टी कलर शॉट। इसके नीचे एक और बॉक्स है गाइस, इस बॉक्स के अंदर ढेर सारे पटाखे हैं। अभी चलो गाइस, पहले इसको फोड़ते हैं यार। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ बाहर। ऊपर इसके एक और पेपर है, पेपर हटाते ही अंदर की तरफ देखो यार, इतने ढेर सारे स्काई शॉट्स रखे हुए हैं और ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं। बत्ती के अंदर आग लगा दी मैंने, अभी देखते हैं गाइस जो कितनी देर तक फटते हैं। यहाँ पे टोटल 120 स्काई शॉट्स इसके अंदर रखे हुए। ओ यार, ये तो काफी सही तरीके से ऊपर जाकर फट रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एवेंजर के जिस तरह के ड्रेसेस हैं उनके जिस तरह के कलर्स होते हैं वो सारे के सारे कलर जो है ये स्काई शॉट के अंदर दे रखे हैं। कितना ज्यादा बड़ा यहाँ पर सुपरनोवा बन रहा है, एकदम मजा आ गया गाइस इसको देखकर। अगर आप इसको स्लो मोशन में देखोगे तो इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर भी साउंड आ रही है और ऊपर जाने के बाद तो यार ये बहुत ज्यादा जोर से फट रहा है। ये सारे के सारे फटने में 15 मिनट का टाइम लगा है। एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर फटाफट तरीके से मैं बता देता हूँ। बॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मेरे को ये हेलीकॉप्टर बैटल लगा यार, पता नहीं ये क्या चीज है। फटाफट तरीके से मैंने इसको खरीद लिया था। यहाँ पर देखो पटाखों के ऊपर इस तरह के हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स हैं ये लगे हुए। चलो इसको टेस्ट करते हैं, अभी इसके बॉक्स को ओपन कर देते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर 5 पटाखे हम लोगों को मिलते हैं। ये एक नॉर्मल पटाखा ही है, इसके ऊपर इन लोगों ने प्लास्टिक वाली एक ब्लेड लगा रखी है। तो गाइस इसकी बत्ती को जला देते हैं, देखते हैं ये किस तरह से फटता है। ओ माय गॉड, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था गाइज, ये तो सीधा ऊपर की तरफ उड़ गया यार। एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे स्लो मोशन में देखो गाइज ये किस तरह से घूमने लग रहा है। ये नॉर्मली एक चक्री की तरह ही है, पर ये जो चक्री है गाइज आसमान में उड़ जाती है। काफी ज्यादा कमाल की चीज लगी यार मेरे को, और ये बहुत ज्यादा ऊपर तक भी जाती है। अगला पटाखा है सुप्रीम की तरफ से आने वाला कलर पिकॉक। बॉक्स के ऊपर एक पिकॉक बना हुआ है, तो चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं। बॉक्स को ओपन कर देते हैं, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना होता है, फायर हियर बोलकर ऊपर की तरफ लिखा है, को यहाँ पर ऊपर की तरफ लगाते हैं फायर। ये मैंने लगा दी भाई साहब, ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस चीज मेरे को लग रही है। अभी देखो भाई, यहाँ पर इसके अंदर साइड से भी इस तरह की फायर आने लगती है। भाई मेरे मुंह पर लगते लगते बच गया अभी मैं। ओ माय गॉड, ये जितनी ज्यादा डेंजरस है उतनी ज्यादा खूबसूरत भी है गाइस। देख सकते हो जिस तरह के मोर के पंख होते हैं गाइस, उसी तरह का यहाँ पर कुछ इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर से रोशनी देखो गाइस कितनी ज्यादा आ रही है, भाई साहब मजा आ गया यार इसको देखकर। और ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज लगी मेरे को। अगली चीज है फोटो फ्लैश, ये भी एक बहुत ही यूनिक चीज लगी थी। यहाँ पे देखो एक कैमरामैन फोटो वगैरह लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉक्स के पीछे कुछ है नहीं, इसका प्राइस है 750 रुपीज। चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं। ओके, तो इसके अंदर आग लगा देते हैं, यहाँ पर मैं लाइटर से आग लगा रहा हूँ। अभी देखो गाइस इसके अंदर आग लग चुकी है। भाई साहब ये कुछ अलग चीज मेरे को लग रही है, सच बता रहा हूँ गाइस, इतनी कमाल की चीज मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि यार जब हम कैमरे से फोटो वगैरह खींचते हैं उसके अंदर से जो फ्लैश निकलती है उसी तरह का यहाँ पे इफेक्ट दे रखा है इन लोगों ने। मेरी तो आंखें भाई साहब पूरी तरीके से घूम चुकी है, इतनी ज्यादा रोशनी आ रही है इसके अंदर से। स्लो मोशन में देखो गाइस ये इस तरह का इफेक्ट दिखाता है। ये देखो गाइस कुछ अलग ही चीज लगी थी मेरे को, ये है कॉरोनेशन, ये आ जाता है ब्लैक सर्पेंट की तरफ से। इसके अंदर देखो इतनी ढेर सारी डिब्बियां मिल जाती है। अच्छा, तो ये सारी डिब्बियों को हम लोग निकाल लेते हैं, छोटी छोटी सी गोलियां हैं तो इसके अंदर लगाते हैं आग, देखते हैं गाइस यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, तो गाइस अब मेरे को समझ में आया, मैं जब छोटा था ये बहुत ज्यादा यूज किया करता था यार दिवाली के टाइम पर। ये इस तरह के स्नेक का इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिल जाता है और ऐसा लगता है कि गाइस ये बहुत बड़े बड़े नाखून यहाँ से निकल रहे हैं। देख सकते हो यार ये भी काफी ज्यादा कमाल की चीज है, पर इसके अंदर से स्मोक बहुत ज्यादा निकलता है। अगली चीज मैं टेस्ट करने वाला हूँ, शायद ये स्काई शॉट मेरे को लग रहा है। चलो इसको टेस्ट करते हैं। इसको निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर, इसका साइज अच्छा खासा बड़ा है। अंदर लगाते हैं आग, देखते हैं गाइस ये किस तरह से फटता है, ये बॉम्ब है या फिर स्काई शॉट है, देखते हैं। ये देखो गाइस फटा और ऊपर की तरफ जा रहा है। ओ माय गॉड, कितनी ज्यादा ऊपर जा चुका है गाइस। यहाँ पर जाकर देखो ये फुस हो चुका है, बिल्कुल भी ऊपर की तरफ जाकर ये फट नहीं रहा है। अगली वाली चीज मैं टेस्ट करने वाला हूँ, ये है मर्क्यूरी, और यहाँ पर पता नहीं गाइस एक लड़की है और इस तरह से यहाँ पे मर्क्यूरी बोल के लिखा हुआ है। मेरे को एक स्काई शॉट जैसा ही लग रहा है और इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं। इसका साइज तो पिछले वाले स्काई शॉट से भी ज्यादा बड़ा है यार, देखते हैं ये भी फुस हो जाता है या फिर ऊपर जाकर फटता है। बत्ती के अंदर आग लगा दी मैंने, थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ यार, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। देखते हैं ये किस तरह से फटने लगता है। ये देखो गाइस फटा और ऊपर की तरफ जा रहा है। ओ माय गॉड, इसके अंदर से तो भाई एकदम कमाल का सुपरनोवा जैसा इफेक्ट आ रहा है भाई।
नेक्स्ट चीज मैं टेस्ट करने वाला हूँ, कैप्टन मार्वल। ओ माय गॉड, चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। पैकिंग अच्छी कर रखी है इन लोगों ने, बेसिकली ये भी एक स्काई शॉट की तरह ही मेरे को लग रहा है। बत्ती के अंदर आग लगा दी मैंने, देखते हैं गाइस ये किस तरह से फटता है या फिर ऊपर की तरफ जाकर किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। यहीं से ये फट रहा है यार, ऊपर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहां जाकर ये फट रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ। मेरे को लग रहा है गाइस ये खरीदने के बाद मेरे पैसे वेस्ट हो गए यार, एकदम बकवास सी चीज लगी मेरे को तो ये। ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा यूनिक लगी थी गाइस, इसको मैंने शायद 200 रुपए में खरीदा था। ये है ग्लिटरिंग फ्लावर, इसको टेस्ट करते हैं। अंदर से मैंने निकाल लिया है, ओ भाई ये काफी ज्यादा तगड़ी चीज लग रही है यार। ये स्काई शॉट है क्या है मेरे को पता नहीं है। जैसे ही मैंने इसके अंदर आग लगाई है इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओ तेरी भाई साहब, ये इसके अंदर से आवाज सुनो गाइस, बहुत ज्यादा जोरदार की आवाज भी आ रही है और इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली एक अनार की तरह है पर ये उससे ज्यादा बड़े साइज का इन लोगों ने बना रखा है। रोशनी देखो यार कितनी ज्यादा आ रही है इसके अंदर से। तो गाइस ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको बोलते हैं कलर स्मोक। 5 अलग अलग कलर के कलर स्मोक्स मिलते हैं। चलो गाइस इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बॉक्स को खोलते हैं यार, इसके अंदर 5 कलर स्मोक मिले हैं हम लोगों को। इसकी बत्ती के अंदर भी आग लगाते हैं गाइस, देखते हैं ये फटता है या फिर क्या करता है। बत्ती के अंदर आग लगा दी मैंने फटाफट से, इसको मैं नीचे रख देता हूं यार कहीं ये फट ना जाए। अच्छा गाइस ये फटता नहीं है, देखो यार मेरे को लगा था कि ये फटेगा। इसके अंदर से इस तरह का स्मोक निकलने लग रहा है, पिंक कलर का स्मोक निकल रहा है यहाँ पर। देखो यार रात के टाइम पे इतना ज्यादा मस्त दिखाई दे रहा है, अगर आप सोचो दिन के टाइम में हम लोग इसको जलाएंगे तो कितना ज्यादा मस्त इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी एकदम गजब की चीज मैं टेस्ट करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पर है अपने रॉकी भाई को। ओ माय गॉड, रॉकी भाई यहाँ पर गन पकड़े हुए, इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसके बॉक्स के अंदर से शायद 2 गन्स निकलती होंगी, एक गन मैंने निकाल ली है और ये दूसरी गन भी निकल चुकी है। अभी इसको जला के देखते हैं गाइस ये किस तरह से फटता है या फिर किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। सामने की तरफ देखो यार इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गन मैं चला रहा हूँ, इस तरह का इफेक्ट इसके अंदर दे रखा है। ठीक ठाक है पर मेरे को ये बेस्ट चीज नहीं लगी। ओहो गाइस ये चीज बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है यार, इसका नाम है टिम टिम फ्लावर पॉट। ये आ जाती है अशरफी की तरफ से और इसके अंदर कुछ अलग तरीके के इतने बड़े बड़े बॉम्ब दे रखे यार इन लोगों ने। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसका बॉक्स मिठाई के डिब्बे जैसा ही लग रहा है। अंदर देखो गाइस 5 लड्डू मिले हम लोगों को, ये मोतीचूर के लड्डू जैसे दिख रहे हैं। यहाँ से इसका स्टिकर हटा देते हैं, अभी इसको जलाते हैं गाइस। तीनों को एक साथ जला के देखते हैं किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा तो ये मेरे को लग रहा है कि अनार जैसा ही कुछ यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, पर 3 मैंने एक साथ जला दिया है इस वजह से यहाँ पे रोशनी देखो कितनी ज्यादा आ रही है और इसका ये जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा ऊपर तक भी जाता है। बहुत ही यूनिक चीज लगी यार मेरे को, एकदम दमदार चीज है भाई साहब ये तो। अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ एलिफेंट की तरफ से आने वाली शूटिंग स्टार्स, के अंदर कुछ रिंग जैसे कुछ लगे हुए हैं, इसको निकाल के एक बार टेस्ट करते हैं गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही है ये। बॉक्स के अंदर इतनी ढेर सारी शूटिंग स्टार्स मिल जाते हैं पर इनका शेप देखकर कहीं से भी ये स्टार जैसे तो दिख नहीं रहे। चलो इसके बत्ती के अंदर भी आग लगाते हैं, देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या होता है, धमाका होता है या फिर कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। जल रहा है अभी ये, ओ तेरी भाई ये क्या चीज है यार, अभी ये मेरे मुंह पे आते आते रह गया यार, बहुत ज्यादा डेंजरस चीज मेरे को लग रही है। देखो कितनी ऊपर तक ये उड़ चली है, मेरे को तो ये कुछ समझ आया नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं गाइस। अच्छा ये एक हेलीकॉप्टर का जो पटाखा था ना गाइस उसी तरह से काम कर रहा है, पर ये चीज मेरे को थोड़ी सी डेंजर लग रही है यार, इससे थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए हम लोगों को। अगली वाली चीज मैं टेस्ट करने वाला हूँ, इसका नाम है डांसिंग बटरफ्लाई। चलो गाइस इसको टेस्ट करते हैं अभी, उसके अंदर तो बहुत सारे दे रखे यार इन लोगों ने। चलो एक को ट्राई करते हैं, यहाँ पे बत्ती के अंदर मैंने आग लगा दी है, देखते हैं गाइस ये फटता है या नहीं। यार ये तो घूम रहा है और इसके अंदर कलर देखो कितने ढेर सारे हैं, पहले ग्रीन कलर आया था उसके बाद में रेड कलर आया, बहुत ही यूनिक चीज लगी मेरे को ये। सबसे लास्ट वाली चीज मैं टेस्ट करने वाला हूँ, 5 स्काई शॉट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर अपने ब्रूस ली भी दिए हुए आ जाता है सुप्रीम की तरफ से। मेरे को लग रहा है कि ये एकदम धमाकेदार चीज होने वाली है। चलो गाइस अभी इसको टेस्ट करते हैं अपन। ठीक है इन सभी को अलग कर लेते हैं, इसके अंदर से एक ट्राई करके देखते हैं इसके अंदर किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। ये भी एक स्काई शॉट की तरह ही दिखाई दे रहा है, छोटा स्काई शॉट, पर ये स्काई शॉट है नहीं, ये भी एक अनार की तरह ही मेरे को लग रहा है। ओ यार ये अनार से काफी ज्यादा डिफरेंट भी है, इसके अंदर से जो चिंगारियां निकल रही है ना गाइस बहुत ही अलग है, रेड कलर की चिंगारियां निकल रही है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही जलाया है और यहाँ पे रोशनी देखो कितनी ज्यादा हो रखी है, बहुत ही यूनिक चीज है यार, बहुत दमदार चीज लगी गाइस मेरे को ये। दोस्तों मैंने आज इतने ढेर सारे पटाखों की टेस्टिंग करी है कि क्या ही बताऊं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन सारे पटाखों में से कौन सा पटाखा सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, नीचे कमेंट करो गाइस। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है अर्घा दास, वसंत, गौरीश, ताहिर, जैस्मिन, सिद्धांत, प्रणीत, निलेश, निकेश, अब्दुल रहमान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।